हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम ट्रायंगल के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो मैंने पूरा कंप्लीट ट्रायंगल का बना दिया है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने ट्रायंगल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। हालांकि मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बताऊंगा बीच बीच में, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स के जो मेन एग्जाम्पल हैं वो भी आपको बता दूंगा, उन एग्जाम्पल को भी आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन जितने भी मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे उनको मैंने वीडियो में बना दिया है। मैंने इन क्वेश्चनों को पहले ही सॉल्व कर दिया है कि जिससे मैं आपको फटाफट सॉल्व क्या करूँ समझा सकूँ और फटाफट हम वीडियो को कंप्लीट कर लें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अधिकतर बच्चों ने क्वेश्चंस कॉपी में सॉल्व करे होंगे, जिन बच्चों ने ज़्यादा स्कूल में सॉल्व करे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि मेरा बताया हुआ जो मेथड्स है वो आपके से मैच खा जाए, या आपका जो मेथड बड़ा हो जो और जो मैं कि आपको मेथड बता रहा हूँ आपका मेथड क्या हो छोटा हो, तो आप इस मेथड को अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो मैं आपको काफ़ी इजी वे में ट्रायंगल के क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं। तो इसलिए मैं आपको फटाफट एक एक दो दो मिनट में एक एक क्वेश्चन को हम फटाफट निपटाते हुए जाएंगे। करीबन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में मैंने आपको लिख के दे रखे हैं, ठीक है। और मैं आपको बीच में और लास्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने पिछले वाले वीडियो को मुझे लगता है ढंग से पूरा नहीं देखा है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैंने लास्ट में सर्कल के और कंस्ट्रक्शन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने टिक करवाए थे। दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे वो मैंने आपको टिक लगा के दे दिए थे कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, क्योंकि देखो वीडियो में सारे क्वेश्चंस करवा पाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए जितने मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि आप सब बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने, 90% बच्चों ने कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करे होते हैं, उनको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसलिए आप क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल को भी जरूर देखें। मैंने वीडियो में एग्जाम्पल्स भी आपको टिक करवाए थे। तो दोस्तों, वीडियो में देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको बुक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाता रहूँगा, तो वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपकी अगर छूट गई तो फिर आप काफ़ी पछताते हैं, फिर एग्जाम से में वो चीज़ आ जाती है तो फिर आप घर आके परेशान होते हैं, यार अगर काश हम ये कर लेते तो हमारे नंबर पूरे आ जाते। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी टिप्स आपको दी जाती हैं जो आपके लिए काफ़ी काम वाली होती हैं, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अब हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो बताएंगे उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे पेपर में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, कौन कौन सी क्वेश्चन आपको पहले करने चाहिए, कौन कौन सी क्वेश्चन आप बाद में करेंगे, जिससे आपको क्या होगा नंबर खींचने में यानी अच्छे नंबर खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे खासे स्कोर इसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो भी आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको कई टिप्स दूंगा, ठीक है। अनसॉल्व पेपर करवाने के साथ साथ आपको टिप्स भी कई अच्छे तरीके से दूंगा, जिससे आपको स्कोर अच्छा बनाने में हेल्प होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, देखो 6.2 तो मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें खाली दो या तीन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। तो आज जो मैंने क्वेश्चंस लिया है वो मैंने 6.5 का एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चंस लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें हमें तीन पार्ट प्रूफ करने को देता है और अधिकतर ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, इन द, हम पहले मार्कर है उससे हेडिंग लेते हैं स्केच पेन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, यानी हमें एक फिगर गिवन कर रखा है, ए बी डी इज़ अ ट्राइंगल। हमारा ए बी डी क्या है, एक ट्राइंगल है। राइट एंगल एट ए, यानी हमारा राइट एंगल कहाँ पे होगा, ए हमारा क्या है, एक राइट एंगल है, ठीक है, जैसा हमने यहाँ बना के दिखा रखा है। एंड ए सी परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी हमने जो डाल रखा है परपेंडिकुलर किस पे डाल रखा है, बी डी पे हमने परपेंडिकुलर डाल रखा है। शो डैट करके हमें दिखाना है, देखना थोड़ा क्वेश्चन तेज़ पढ़ रहा हूँ बट समझाऊंगा मैं आपको आराम से, ठीक है। देखो यहाँ पे शो डैट करके दिखाना है ए बी स्क्वायर, क्या शो करके दिखाना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट बी डी, यानी बी सी इंटू बी डी के इक्वल हमें करके दिखाना है किसको, ए बी स्क्वायर को, ठीक है। उसके बाद ए सी स्क्वायर को प्रूफ करके दिखाना है बी सी इंटू डी सी के, फिर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करके दिखाना है बी डी इंटू सी डी के। तो देखो दोस्तों क्या है, ये जो ट्राइंगल हमें दिया है एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें हम अगर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो एक ट्राइंगल हमारे यहाँ पे भी ड्रॉ हो जाएंगे, यानी दो पार्ट में इसे क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में हमें जो प्रूफ करना है। देखो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल जो हमें इन ट्राइंगल ए बी सी हम ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी का मतलब कौन सा, ये वाला ट्राइंगल देखिए जो बन रखा है आपका ए बी सी ले लेंगे। इसमें आप देखेंगे एंगल बी ए डी, यानी एंगल बी ए डी ये जो आपका कितना 90 डिग्री है, ये वाला पोर्शन एंगल बी ए डी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए सी परपेंडिकुलर है किस पे, बी डी पे, ए सी जो आपका परपेंडिकुलर है किस पे, बी डी पे परपेंडिकुलर है, ऐसा आपका सामने सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर ट्राइंगल होगा किसके, बी डी ए के, बी ए सी सिमिलर ट्राइंगल होगा किसके, बी डी ए के,
जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, इनकी साइड भी सिमिलर हो जाएंगी। तो आप यहाँ से शो करके दिखा सकते हैं, जो आपका बी ए होगा बी ए अपॉन बी डी, ठीक है, बी ए ये वाली साइड इक्वल होगी आपकी किसके, बी ए अपॉन बी डी आपकी इक्वल होगी किसके, बी सी अपॉन बी ए के, होगी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल जब आपके सिमिलर है तो इनकी साइड को भी आप क्या दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है साइड आर प्रोपोर्शनल, यानी इनकी साइडें क्या हैं, एक दूसरे के समान हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, देखो जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ईजिली हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगला नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब जब आपको पता है बी ए सी सिमिलर ट्राइंगल है किसके, बी सी सिमिलर ट्रायंगल है किसके, बी ए सी हमारा सिमिलर ट्रायंगल है किसके, ए डी सी के। तो हम दिखा सकते हैं, देखो ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी हम शो करके दिखा सकते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर, फिर डी सी की बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इंटू डी सी हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ये आपको प्रॉपर्टी देखो हर उसमें मैंने लिख के दिखा रखे, तो आप इसे रीड कर लेंगे, ठीक है। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ट्रायंगल बी ए डी सिमिलर ट्रायंगल है किसके, ए सी डी के, हमारा बी ए डी सिमिलर ट्रायंगल है किसके, ए सी डी के। देखो बी ए डी कौन सा होगा, हमारा बी ए डी सिमिलर ट्रायंगल हमारा ए सी डी के, हमने सिमिलर मान रखा है तो इसकी साइड भी हमारी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हमने क्या ले रखा है, देखो ए डी, ए डी हमारा कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, ए डी अपॉन डी सी, डी सी हमारा कौन सा, ये वाला साइड हमारा, इस वाली साइड हमने ए डी अपॉन ए सी ले रखा है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, देखो बी डी, बी डी अपॉन ए डी, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो ए डी स्क्वायर इंटू बी डी इंटू डी सी, देखो साइड आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हम इनको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा तीसरा पार्ट भी इसका सोल्व हो गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट्स को सोल्व कर लेंगे इजीली, हमने इनको एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत अगर लग रही है, अगर नहीं समझ आ रहा है, वैसे तो काफ़ी इजीली समझा रहा हूँ मैं, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ पा रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको और किसी तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे आपको इजीली क्या हो जाए, ये समझ आ जाए। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक्सरसाइज हमारा 6.3 का है, 6.3 का सेकंड क्वेश्चन है। ये भी मैंने देखा था एग्जाम्स में पिछले साल के अनसॉल्व पेपरों में, मैंने देखा है इस क्वेश्चन को, तो मैंने इसको भी आपको ले लिया है इसमें, ठीक है। देखो ये लिखा है इन द गिवन फिगर, हमें कोई एक फिगर गिवन कर रखा होगा, उसमें कह रहा है ओ डी सी, यानी क्या कह रहा है, ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल है किसके, ओ बी ए के। तो जिसमें एंगल बी ओ सी हमें 125 दे रखा है और एंगल सी डी ओ हमें कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड, आप क्या करेंगे, फाइंड आप जो करेंगे, एंगल डी ओ सी को फाइंड करना है आपको, डी सी ओ को फाइंड करना है और ओ ए बी को भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लेंगे एंगल डी ओ सी प्लस बी ओ सी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ सी के, सॉरी 180 के, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें एंगल डी ओ सी ये वाला पोर्शन, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा बनाने में थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर जो हमारा पूरा एंगल क्रिएट होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो आपका डी ओ सी, ये आपका पोर्शन बन रहा है, देखो यहाँ से ये लाइन ऐसे करके जा रही है, ये वाला पोर्शन और आपका ये वाला पोर्शन, टोटल आपका कितना 180 डिग्री होगा। तो उसमें से आप देखेंगे कि आपको बी ओ सी की जो वैल्यू है आपको गिवन है कितनी, 125 क्वेश्चंस में हमें गिवन कर रखी है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे जब रखेंगे तो हमें एंगल डी ओ सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 155 मिल जाएगी, ठीक है। इतना आप माइनस प्लस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया डी ओ सी की वैल्यू आपको 180 में से 125 को जब आप माइनस करेंगे तो आपको 55 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब दोबारा से हम देखेंगे इन ट्राइंगल डी ओ सी, ट्राइंगल देखो हमारा कौन सा बन रहा है, ये डी ओ सी हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। डी ओ सी हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, तो डी ओ सी में आप देखो तीन तरीके से आप इसके साइड एंगल्स को ले सकते हैं। एक एंगल आप ले सकते हैं ओ डी सी, वो आपको कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। डी ओ सी आप ले सकते हैं, डी ओ सी आप एंगल ले सकते हैं, डी ओ सी आपको जो आया है वो कितना आ रहा है, 55 आ चुका है। आपने डी सी ओ फाइंड करना है, डी सी यानी ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है, डी सी ओ आपने फाइंड करना है, इजिक्वल टू यानी तीनों साइडों का, तीनों एंगलों का सम आपका ट्राइंगल का कितना आता है, 180 आता है। यानी आप अगर ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कर रहे हैं तो आपका कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो देखो दो एंगल तो हमें गिवन है, 70 और 55, तीसरा एंगल निकालना है तो इन दोनों एंगल को जोड़िए और 180 से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा,
तीसरा एंगल जो आपका बचा हुआ एंगल है वो भी आपका फाइंड हो जाएगा, यानी एंगल DCO आपका कितना आ गया 55 डिग्री आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ट्रायंगल क्या है, ODC जो है सिमिलर ट्रायंगल OBA के। तो आप देखो यहाँ पे क्या देखेंगे, जब सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी साइडें भी सिमिलर होंगी, सॉरी इनके बीच के एंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो एंगल OAB इक्वल हो जाएगा आपका किसके, DCO के। तो ये आपका कितना 55 डिग्री आ गया। ऐसे ही आपका एंगल जो है DOC इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल OAB के। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे इक्वेशन के जितने भी एंगल हमने फाइंड करने थे हमने फाइंड यहाँ कर दिए हैं, ईजिली हमने इनको फाइंड कर दिया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स वो बता देता हूँ, थ्योरम्स वगैरह जो हैं आप थ्योरम्स वगैरह देख लीजिए, थ्योरम्स मैं आपको बता देता हूँ, आप NCERT बुक्स उठा लीजिए। देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका 6th chapter है, 6th chapter की जो आपकी थ्योरम्स है, सबसे पहले तो आप ये वाली पेज नंबर 145 पे जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम्स है आप इसको ज़रूर प्रूफ करेंगे। आपकी 6.8 नंबर की जो थ्योरम्स है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, 6.8 वाली जो आपकी थ्योरम्स है ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इसमें आपको क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। उसके बाद आप देखेंगे जो आपकी, ये देखो आपकी थ्योरम 6.6, आपकी थ्योरम नंबर 6.66 जो है ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पेज नंबर 141 पे है ट्रायंगल वाले चैप्टर पे। ठीक है, इस वाले को भी आप सॉल्व प्रूफ करेंगे। उसके बाद आपने देखना है क्या, एग्जांपल नंबर सेवन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ट्रायंगल का है आपका। ठीक है, इसको भी आप ज़रूर देखेंगे। उसके बाद आपने देखना है आप इसे कैसे, थ्योरम 6.3 को आप देख लीजिएगा, कोई इतनी खास नहीं है बट है कि ठीक है, इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन और नाइन 6.2 का, हालांकि मैंने करवा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। और क्वेश्चन थर्ड भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाला तो आप करेंगे बच्चों वाला क्वेश्चन से ही आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए हम पीछे आ जाते हैं, हम जहाँ तक हमने लगा लिए थे। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, आप सिर्फ एग्जांपल देखेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, उसके बाद जो इसकी आप इनवर्स भी निकालेंगे, इनवर्स थ्योरम जो है देखो पाइथागोरस का कन्वर्स जो है वो 6.9 थ्योरम जो है आप इसको भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस को हमने क्या करना है, एंगल 90 डिग्री, आप एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, आप पाइथागोरस थ्योरम्स और जो कन्वर्स है जो पाइथागोरस थ्योरम का उसको आप जरूर प्रूफ करिएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जांपल नंबर 12 आप देखेंगे, एग्जांपल नंबर 12 को भी आपने जरूर करना है, इसको भी आपने नहीं छोड़ना है। देखिए सामने आपके लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 है आपका। ठीक है, उसके बाद आप एग्जांपल नंबर 13 को भी बात छोड़िएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जांपल 14। बस आप इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपके ट्रायंगल वाले चैप्टर से मैं कहता हूँ आपका एक नंबर का भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रायंगल वाले चैप्टर से आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अपने जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं उन क्वेश्चन को हम देखते हैं आगे से। ठीक है, हमने क्या करा है कि क्वेश्चन एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं, अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चंस की तरफ। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, डी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC। ठीक है, डी हमारा एक पॉइंट है, वो कौन सी साइड पे, हमारा BC साइड पे है, ऑफ अ ट्राइंगल ABC। हमारा ट्राइंगल क्या है, ABC, यानी ABC हमारा एक ट्राइंगल है, उसमें BC हमारी एक साइड है, उस पर हमारा एक पॉइंट क्या है, डी है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे, कह रहा है कि सच डैट एंगल ADC, यानी कह रहे सच डैट एंगल ADC इक्वल होगा हमारा एंगल BAC के। ठीक है, हमारा क्या है, एंगल ADC इक्वल होगा एंगल BAC के। तो अगर ऐसा है तो शो डैट करके बताइए CA² होगा CBCD के। अगर ऐसा होता है तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो हमारा CA² है वो आपका CB × CD होगा। तो देखो ये ट्रायंगल हमारा ड्रॉ करके दिखा रखा है इन्होंने, हमने ट्रायंगल बना लिया ABC और पॉइंट हमने उस पर एक D ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCA, इसमें गिवन है देखो हमारा BAC इक्वल है हमारा किसके, ADC के। देखो क्वेश्चन में अगर हमारा कह रहा है कि अगर ऐसा है तो,
तो देखना दोनों ट्रायंगल में आपको एंगल सी आपको क्या मिलेगा कॉमन, चाहे आप ए बी सी ले लीजिए, चाहे आप ये जो एंगल आपका ए सी बी ले लीजिए उसमें भी आपको एंगल सी कॉमन मिलेगा, चाहे आप डी डी सी ए ले लीजिए इसमें भी आपको एंगल सी दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा कॉमन एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको एंगल हमने कॉमन ले लिया, गिवन वाले को गिवन ले लिया। तो देखो जब इसके एंगल इक्वल है और इसमें दो एंगल कॉमन है तो हमारे ये ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो भी क्या होंगी, सिमिलर ट्रायंगल की। देखो जो इसकी साइड्स जो सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो देखो सी बी अपॉन सी ए, सी बी अपॉन सी ए इक्वल हो जाएगा सी ए अपॉन सी डी के। देखो सी बी अपॉन सी ए, सी बी अपॉन सी ए इक्वल टू सी ए अपॉन सी डी, ये वाली साइड। ठीक है, सी बी अपॉन सी ए, सी ए अपॉन सी डी, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, सी ए स्क्वायर इंटू सी बी इंटू सी डी, यहीं पर आपका इक्वेशन प्रूफ हो चुका है। ठीक है, मेन आप लाइन ये पढ़िए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी क्या है, सी बी अपॉन सी ए जो है, ए सी ए अपॉन सी डी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है हमारी किसके, सिमिलर ट्रायंगल्स की। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को तो आप आंखें बंद करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए जो मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो ये कम से कम नहीं तो अधिकतर अनसॉल्व पेपर में 99% आपका ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है, दो नंबर में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, हमारा एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल की जो हमारी लेंथ है वो आपकी 6 मीटर है, वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर कास्ट ऑफ अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, यानी वर्टिकल पोल हमारा एक 6 मीटर लेंथ है, उसकी कास्ट जो उसकी शेडो की जो है वो 4 मीटर लंबी है, एंड ग्राउंड कहाँ से, ग्राउंड से। ठीक है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम यानी एट द सेम टाइम यानी उसी समय की बात कर रहा है, एक टावर की जो जो छाया पड़ती है वो हमारी कितनी है, 28 मीटर लंबी है, यानी टावर हमारा ये है, ये हमारा जो पोल था उसकी लेंथ है, उसकी छाया जो पड़ रही है 4 मीटर लंबी है। ठीक है, एक टावर हमने ले रखा है ये, ठीक है, उसकी हाइट को हमने एच मान लिया, जो उसकी छाया पड़ रही है वो हमारी कितनी है, 28 मीटर है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है टावर की हाइट बताओ। देखो आप इसमें सीधे बीपीटी थ्योरम लगा के भी इसे क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये ऊपर मैंने सिर्फ इनका लिख रखा है, वर्टिकल पोल की लेंथ ये वाला लिख रखा है, शेडो को हमने टावर की हाइट को हमने एच मान लिया है। आप देखेंगे ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल क्या ले लेंगे, एबीसी एंड ट्रायंगल डीईसी आप ले लेंगे, तो इन ट्रायंगल में आप दिखाएंगे एंगल एबीसी इक्वल होगा हमारा डीईसी के, क्यों, क्योंकि ईच हमारा कितना है 90 डिग्री। देखो ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री है और बी वाला भी हमारा 90 डिग्री है, दोनों हमारे किसके हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं दोनों ये। समझ रहे मेरी बात को, अच्छे से समझना, अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को वहीं रोक लें और थोड़ा सा बैक करके फिर समझ लें। ठीक है, यानी एंगल ई जो है हमारा 90 डिग्री है, बी भी हमारा 90 डिग्री है, तो हमने लिखा है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई सी, क्योंकि हमारा एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा, तो हमारा ईच एंगल कितना है, 90 डिग्री ले लिया हमने। तो एंगल सी देखो दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल जो है दोनों में कॉमन है, चाहे आप डी ई सी ट्रायंगल ले लो चाहे ए बी सी ट्रायंगल ले लो, सी आपका दोनों तरफ क्या आएगा, कॉमन आएगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाता है तो हमारे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर, सिमिलर ट्रायंगल शो कर देंगे, यानी ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, डी ई सी के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी एंगल एंगल से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, कि ये हमारा क्या है, एक सिमिलर ट्रायंगल है। उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या करेंगे, जब सिमिलर ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सिमिलर साइड्स भी, इसकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो ए बी, ए बी का हमारा ये ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन आप क्या ले लेंगे, बी सी अपॉन ई सी, बी सी पूरी साइड है अपॉन में आप ई सी को ले लेंगे। देखो ए बी की लेंथ को हमने एच मान रखा है और सी हमें डी ई की दे रखा है, 28 हमें क्या दे रखा है, उसकी शेडो दे रखी है टावर की, और 4 हमें किसकी शेडो दे रखी है, पोल की। तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के 42 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये क्वेश्चन आपको एक नंबर में हर बार देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो साफ सीधी बात है, इसमें तो आप सीधे आंखें बंद करके टिक लिखेंगे, इसे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कह रहा है कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर द इन द रेशो 4:9, यानी कह रहा है किसी भी सिमिलर ट्रायंगल की साइड का अगर हमें रेशो 4:9 दे रखा है, 4:9 दे रखा है,
तो आप क्या करेंगे, आपको बताना है कि इनके ट्रायंगल के एरियाज का रेशो क्या होगा। तो देखिए आप सीधी सीधी बात है, मैं आपको लिखा हुआ यहाँ बता देता हूँ, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यानी एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जो हमें साइड का रेशो गिवन कर रखा है डायरेक्टली उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 16/81 आपका आंसर, बिल्कुल अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मीडियन निकालने वाला क्या, हमें कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन को आपको इक्वल दिखाना है। देखो इसे पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आप अच्छे से इसको समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से आप समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। यानी कह रहा है कि हमें शो करके दे, प्रूफ करके दिखाना है, जो रेशियो होता है हमारे एरिया किसके, टू सिमिलर ट्रायंगल्स के, वो हमारा इक्वल होता है जो उनकी जो मीडियन होगा, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का जो रेशियो होगा उनके स्क्वायर के। ठीक है, जो हमारा क्या होगा, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है किसका, सिमिलर ट्रायंगल का, वो हमारा इक्वल होता है जब हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशो का क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे, तो उसके क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखो गिवन में जो हमें चीज़ें दे रखी हैं, गिवन में जो हमें चीज़ें दे रखी हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ हमारा क्या सिमिलर ट्रायंगल होंगे, एपी एंड डीक्यू आर मीडियन, एपी हमारा कौन सा, ये वाला, और डी क्यू हमारा क्या ये है, ये हमारा क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ करके हमें दिखाना है एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू एपी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर, यानी जो हमें मीडियन गिवन कर रखे हैं इनके स्क्वायर के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप देखें प्रूफ द रेशो ऑफ द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो हमें क्वेश्चन में बोला है यहाँ से, ये देखो ये हम इसको लिख लेंगे प्रूफ में, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, क्या हो जाए, ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, पहले ये रखा क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो साइडें भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ईएफ, देखो ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ईएफ इज इक्वल टू BP, देखेंगे आप यहाँ पे BP जो है BC का आधा है, यानी आप क्या कह सकते हैं BC जो होगा BP का कितना होगा, डबल होगा, तो हम क्या कर लिखेंगे 2BP। ठीक है, यानी जो BC है वो BP का कितना है, डबल है, यानी दुगुना है, यानी 2 times है, तो हमने 2BP लिख दिया। और जो EQ है वो EF का हाफ है, तो यानी EF EQ का क्या हो जाएगा, 2 times हो जाएगा, यानी दुगुना हो जाएगा, तो हमने 2EQ लिख दिया। ठीक है, इतना समझ आया आपको, 2 से 2 को आप कैंसिल कर दीजिए, BP अपॉन क्या आ जाएगा, EQ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए AB अपॉन DE इक्वल टू हो गया BP अपॉन EQ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप दिखाएंगे फिर एंगल BE इक्वल टू E, एंगल E के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे किसके, सिमिलर ट्रायंगल्स के। आगे देखेंगे आप, देयरफोर इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए बी पी सिमिलर होगा किसके, डी ई क्यू के, किसके, साइड एंगल, साइड की प्रॉपर्टी से, साइड एंगल, साइड की प्रॉपर्टी से हम किसको, एंगल एंड सॉरी ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर दिखा देंगे किसके, डी ई क्यू के। तो उसके बाद आप देखेंगे बी पी अपॉन ई क्यू, बी पी हमारा कहाँ पे, देखें बी पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू है हमारा ए पी अपॉन डी क्यू के, ये हमारा सेकंड आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है, सेकंड इक्वेशन ये। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू क्या दिखा देंगे, ए पी अपॉन डी क्यू, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी पी अपॉन डी क्यू, क्यों देखेंगे आप यहाँ पे बी पी अपॉन डी ई हमारा ए बी ई के इक्वल है और बी पी ई क्यू हमारा किसके, ए पी अपॉन डी क्यू के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे, ये वैल्यू यानी बी पी क्यू अपॉन बी पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू यानी क्या, ए पी अपॉन डी क्यू रखेंगे, तो हमारा ए बी अपॉन डी ई इक्वल आ जाएगा किसके, ए पी अपॉन डी क्यू के। ठीक है, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल हो जाएगा हमारा ए पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू के स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप दोबारा से वीडियो को रोक के दोबारा से बैकवर्ड करके इसको दोबारा से आप देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना वाला।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6.5 का है, फोर्थ क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, दो दो नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, यहीं पे कई बच्चों के नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको जरूर देखिए, ध्यान से देखिए कैसे कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, ए बी सी एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होता है, जिसकी दो साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। राइट एंगल एट सी, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने लिया है बट फॉर्म किसकी है, राइट एंगल उसमें बना हुआ है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में आ जाएगा, बट होगा क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो इसकी दो साइड को आप इक्वल दिखा देंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, बी सी को हमने ए सी के इक्वल दिखा रखा है, यानी ये दो साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी। और आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसकी दो साइड इक्वल होती है, एक साइड अनइक्वल होती है। तो आप गिवन में लिखेंगे, ए बी सी हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा जिसमें हमने सी को क्या दिखाया, 90 डिग्री दिखाया है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। प्रूफ डैट करके दिखाना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ए बी स्क्वायर जो हमारा होगा वो ए सी स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रूफ करके हमने दिखाना है, देखो फिर उसका प्रूफ में जब लिखेंगे हम, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये देखो आपको मैंने क्या बोला था, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल तो यानी राइट ट्राइंगल्स हुआ, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री आ गया, आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ भी है मैंने साइड में, देखो यहाँ पे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, तो आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी सी आपका के देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला है बी सी आपका किसके इक्वल है, ए सी के। बी सी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा, तो आप बी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है, हो गया आपका प्रूफ ये। नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट वाला भी आपका बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस आपको इसमें क्या करके दिखाना है, एंगल ए सी बी को 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन में हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, वो सब क्वेश्चन में आपको गिवन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन यहाँ पे छपा हुआ है, बस लास्ट में आपको क्या, ए सी बी आपको 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है, ये क्वेश्चन से आपको बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे, देखना आप यहाँ पे, आप गिवन में दे देंगे ट्राइंगल ए बी सी, फिर ए सी इक्वल टू बी सी दिखाएंगे जैसा आप पीछे दिखाते आ रहे हैं, तो जब ये दिखाया तो आपका ए बी इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ करना है हमें कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी हमारा क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, कब होगा, जब हम इसे 90 डिग्री शो करके दिखाएंगे एंगल को, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे आप, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, जैसा हमने ऊपर, बस ये पूरी प्रोसेस आपकी अभी ये चलेगी, पूरी प्रोसेस आपकी ये चलेगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी है, तो ए सी की जगह हम बी सी पुट कर देंगे, तो बी सी स्क्वायर इज, तो एंगल ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ए सी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है, और पाइथागोरस थ्योरम सबसे हमेशा कहाँ लगती है, जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी जहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी ये हमने किससे प्रूव किया है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस के उल्टे से, हमने उल्टे जो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करा, यानी पहले हमने जिस स्टेप से ये स्टेप्स बनाया था, अब इस स्टेप से हमने दोबारा क्या बना दी, पाइथागोरस थ्योरम को बना दिया है। तो इसलिए हमने क्या करा, इसे लिखा है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। हमने क्या करना है, अगर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और उसकी साइड हमें कितनी दे रखी है, 2a दे रखी है, तो हम जो बताना है फाइंड ईच, ठीक है, इट्स एल्टीट्यूड। आगे देखेंगे हम क्या लिखा है, देखना, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी कोमा, क्यों लिखा है हमने, हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैंने ड्रॉ नहीं करा है, ट्रायंगल आप बना लीजिएगा। तो ए बी इक्वल टू किसके हो जाए, बी सी, और बी सी इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए सी के। देखो आप ट्रायंगल अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा, मैंने ड्रॉ नहीं करा है, इस तरीके से आप ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिएगा, बीच में आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे गिरा दीजिएगा एक परपेंडिकुलर, यहाँ तक की लेंथ आप ए ले लीजिए, यहाँ से भी यहाँ तक की लेंथ आप ए ले लीजिए, टोटल लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी, यानी सब साइड आपकी कितनी है, 2a है। इस तरीके से आप नाम दे दीजिएगा कुछ भी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 2a, ठीक है, आप नाम दे ही देता हूँ मैं, चलो कोई नहीं, ए बी सी एंड बीच में डी मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया ट्रायंगल आपको, ठीक है। तो उसके बाद टू प्रूफ लेंथ ऑफ ए डी, यानी ए डी की हमने क्या बतानी है, लेंथ आपको निकाल के बतानी है,
ठीक है, क्वेश्चंस में हमें ये बोले एल्टीट्यूड हमारा एडी तो है, एडी तो हमारा एल्टीट्यूड है, इसी को हमने फाइंड करके बताना है। तो देखो प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी सी हमने क्या करना है, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी में हमने प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा ए सी के और इक्वल टू टू ए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना है हमें, यहाँ लेंथ बतानी है, तो हमने क्या लिख दिया, ए बी इक्वल टू हमारे किसके, बी सी के, बी सी इक्वल है ए सी के, क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं इसलिए हम ऐसा करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ए डी परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, आपको साफ साफ दिख रहा है, मैंने आपको दिखा दिया है। ए सी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, ये ए डी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। तो आप बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू टू ए, बी डी जो है बी सी का क्या है, आधा है, बी डी जो है आपका क्या है, बी सी का क्या है, आधा है। तो आप क्या लिखेंगे, वन अपॉइंट टू इंटू टू ए काट देंगे तो बी डी की लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी, ए मिल जाएगी। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी हमने क्या लेना है, एक जो ए डी बी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है उसमें आप लिखेंगे ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी डी का स्क्वायर लिखेंगे ए बी, क्योंकि ए बी हमारा जो अब हाइपोटेन्यूस है, ए डी हमारा परपेंडिकुलर है, बी डी हमारा बेस है। ठीक है, स्क्वायर तो ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आपको पता है टू ए है, बी डी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ए निकाली है, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे आपका कितना रहेगा, थ्री ए स्क्वायर आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, थ्री ए स्क्वायर आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आप। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू रूट थ्री ए स्क्वायर, रूट के अंदर क्यों, ए डी का जो हम स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल टू के अंदर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा वो, साफ सीधी बात। ठीक है, रूट थ्री ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, थ्री का रूट नहीं हटेगा, ए का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो रूट थ्री हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये हमारी एक्सरसाइज 6.5 का है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, प्रूव द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, यानी कह रहा है कि अगर हम रोम्बस की साइड्स का अगर स्क्वायर करें और उनको सम कर दें तो हमारा इक्वल होता है ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, यानी उसके जो डायगोनल्स का हम स्क्वायर करेंगे उनके क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कह रहा है कि रोम्बस की सभी साइडों को स्क्वायर करने के बाद अगर हम उसको जोड़ दें तो हमारा क्या होगा, वो इक्वल आता है हमेशा, हमारा जो डायगोनल्स होंगे जिसके रोम्बस के उनके स्क्वायर के, ठीक है, उनके डायगोनल के क्या होगा, स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे, लिखा है गिवन ट्राइंगल, सॉरी गिवन मैंने लिखा है ए बी सी डी हमारा क्या है, रोम्बस है, ए बी सी डी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी सी डी हमारा क्या है, एक रोम्बस है, डायगोनल्स ए सी हमारा है, ठीक है, एंड बी डी हमारा एक डायंगल है, वो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ, पॉइंट ओ पे, ये देखो जैसा मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है, डायग्राम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, आपको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, उस तरीके से आप देखेंगे, फिर हमने क्या करना है, देखो टू प्रूफ करके दिखाना है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए सी प्लस बी डी स्क्वायर, यानी ये हमारी सब साइड्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सब हमारी क्या साइड्स हैं, इन सब का स्क्वायर करके इनको जोड़ेंगे वो हमारा डायगोनल हमारा कौन सा, ये दो हमारे डायगोनल्स हैं, इन दोनों के स्क्वायर के क्या लाना है, हमने इक्वल करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं, प्रूफ करेंगे हम इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल हम क्या लेंगे, ए ओ बी ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ट्राइंगल हमारा ए ओ बी है ना, ए ओ बी, इसमें देखेंगे हम ए बी का स्क्वायर, ये हमारी क्या हाइपोटेन्यूस का काम कर रही है, ए ओ प्लस ओ बी का स्क्वायर बाय पी सी टी, यानी पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हमारा ए ओ है वो आपको पता है ए सी का कितना हाफ है, तो हम इसे ए ओ को क्या लिखते हैं, हाफ ए सी स्क्वायर लिख लेंगे, हाफ ए सी स्क्वायर, और बी डी का देखो आप क्या है, बी ओ क्या है, बी डी का हाफ है, तो इसे लिख लेंगे हाफ बी डी स्क्वायर, दोनों को करेंगे टोटल, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 ए सी स्क्वायर, इसको फिर 1/ इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 बी डी स्क्वायर, फिर दोनों को टोटल करेंगे यानी सम करेंगे, सम कैसे करना है, इनका एलसीएम लेके, इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है 4/4 है, तो डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही हमारा आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर भी हमारे वैसे के वैसे हम यहाँ लिख लेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिर 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे क्या आ जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो आपको पता है ए बी स्क्वायर जो यानी रोम्बस की जो चारों साइड होती हैं दो सब साइडों के, मतलब जैसे ए बी होगा यानी रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, सी डी इक्वल होगा डी ए के,
तो इसलिए हम ए बी को क्या करते हैं, फोर पार्ट्स में तोड़ देते हैं। फोर ए बी स्क्वायर है तो हमने अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया। तो एक बार ए बी को हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर, फिर अगले ए बी को लिखेंगे सी डी स्क्वायर, फिर ए बी को लिखेंगे डी ए स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे देखो चारों साइड हमारी जो है डायगोनल्स की क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कम्प्लीट प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है वो बुक्स में आपका 6.5 का 11th क्वेश्चन है, ये मैं आपको बुक से पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ज़रूर पढ़िएगा, इसे पूरी तैयारी करके आप जाइएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपको बुक से पढ़ के सुना देता हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा है इसको। आपका 6.5 का क्वेश्चन है ये, देखो 6.5 का क्वेश्चन है ये, कह रहा है एक एरोप्लेन से हमारे, देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन से, ठीक है यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट्स एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड, यानी कह रहे हैं एक एरोप्लेन को जब हम एयरपोर्ट से छोड़ते हैं यानी उड़ा देते हैं, तो उड़ता है जब, तो वो जिस दिशा में जाता है वो हमारी नॉर्थ साइड होती है। नॉर्थ साइड में अगर वो जा रहा है तो वो जाता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 1000 किलोमीटर वो एक घंटे में क्या करेगा, कवर करेगा। एट द सेम टाइम, यानी उसी समय हम एक दूसरा एरोप्लेन छोड़ते हैं, कहाँ से, उसी एयरपोर्ट से, और वो फ्लाइज करता है वेस्ट डायरेक्शन में, यानी हमारे नॉर्थ हमारा मान लीजिए यहाँ पे वो, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, नॉर्थ हमारा ये है, वेस्ट हमने यहाँ मान रखा है, तो नॉर्थ में हम एक एरोप्लेन छोड़ रहे हैं इस तरफ, तो कितनी स्पीड से जा रहा है, 1000 की, ये तो मैंने सॉल्व करके लिख रखी है वैल्यू आपको समझाने के लिए कि इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही लिख दिया, मैंने आपको बताया ना सॉल्व करके, मैंने पहले ही लिख रखा है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जब वो जा रहा है तो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और जब वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो 1200 किलोमीटर पर डायरेक्शन पर किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। तो कह रहा है हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर वन, यानी जो दोनों प्लेन्स हमारे उड़ रहे हैं वो डेढ़ घंटे यानी वन बाई टू आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी डेढ़ घंटे में 1.5 आवर्स में वो आपका कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम होता है, डिस्टेंस हमारा कितना है 1000 किलोमीटर, डेढ़ घंटे में हमने क्या करना है, इसे कवर करना है, डेढ़ घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप जो डेढ़ घंटे को आप यानी 1.5 आवर्स को आप 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 1.5 होता है वो 3 का कितना होता है हाफ, तो आप 1.5 को आप कितना लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, जिससे हम इजीली इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से आप 1000 को डिवाइड करेंगे आपका कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 500 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 किलोमीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन ड्यू वेस्ट इन 3/2 आवर्स यानी 1.5 आवर्स में, तो आप जब नॉर्थ डायरेक्शन का, तो आपका ये आ गया है नॉर्थ डायरेक्शन, आप यहाँ लिख लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन, मैंने नहीं लिखा, मिस कर दिया होगा। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में आपका ये आ गया है, उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन ड्यू वेस्ट इन द 1.5 आवर्स, तो जब वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा सेम प्रोसेस वही लगे, इस फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस इक्वल स्पीड इन टू टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम 1200 इनटू 3/2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 600 बार, या आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1800 आ जाएगा, किससे 600 इनटू 3 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1800 किलोमीटर आ जाएगा। डिस्टेंस हमारी तय हो गई है, अब इन दोनों एरोप्लेन से हमने क्या निकालना है बताना है। देखो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, यानी एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, डेढ़ घंटे बाद ये प्लेन्स क्या होंगे, एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप ए ट्रायंगल आपका कौन सा बन रहा है, ए ओ बी, ए ओ बी आपका ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें आपके ए बी आपके हाइपोटेन्यूस है, और जो ए है आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका एच है, ये जो आपका बी ओ है ये आपका बी का काम करेगा यानी बेस का काम करेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम्स में आप ए ओ का स्क्वायर यानी 1500 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर यानी 1800 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे ये वैल्यू आपकी आएंगी। ठीक है, ए बी का जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, वैल्यू आने के बाद ए बी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे का रूट यानी इस वाले पूरे नंबर का रूट बन जाएगा, तो इसका रूट निकालने के लिए हम इसे इस तरीके से तोड़ेंगे। देखिए 961 × 100 × 100 यानी पीछे के चार जीरो हैं तो उसको हम 100 × 100 लिख सकते हैं, और इस वाले नंबर को हमने 9 × 61 में तोड़ लिया। देखो 61 का तो कोई रूट निकलेगा नहीं, ये तो इसलिए हमने इसको कहाँ रख दिया, रूट के अंदर ही, 9 का रूट आता है 3 और 100 × 100 है तो 100 एक बाहर आ जाएगा यानी 100 का स्क्वायर है, जब रूट से बाहर लेंगे तो सिंगल 100 बढ़ेगा,
तो 103 जो आपका 300 यानी आपका आंसर कितना आ गया 300 root 61 किलोमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे 15 वाला क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज का, यानी 6.5 एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चंस है। देखिए मैं आपको बॉक्स में बता देता हूँ क्योंकि दो क्वेश्चन मैंने नहीं उतारे हैं। देखेंगे आप यहाँ पे, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी D इज़ अ पॉइंट ऑफ साइड बी सी, यानी कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें ए बी सी दे रखा है जिसका D एक पॉइंट है, वो हमारा साइड किस पे बी सी पे है। तो आपको सच डैट बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, अगर ऐसा हो कि बी डी इक्वल हो किसके 1/3 पार्ट किसके बी सी के, तो प्रूफ डैट करके आप दिखाएंगे कि 9AD स्क्वायर इक्वल होता है हमारा किसके 7AB स्क्वायर के। ठीक है, इसको आपने क्या करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे, मैंने आपके क्वेश्चन का मतलब आपको समझा दिया है, अब यहाँ हमने जो सॉल्यूशन कर रखा है उसको देख लेते हैं फटाफट। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल के लगभग लगभग हमने सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे, देखो लिखा है गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, हमने एक ये ट्रायंगल ले लिया एबीसी, ये हमारा क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें हमारा क्या होगा ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा ए सी के। तो बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, ये हमें क्या है सच डेट करके उसने बोल रखा है ऐसा। ठीक है, तो प्रूफ करके देखा 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, ये ए पी एक परपेंडिकुलर डाला किस पे बी सी पे, बी सी पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया क्या ए पी। ठीक है, आप अच्छे से सीधा खींच लीजिएगा, बार बार थोड़ा स्केच थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। प्रूफ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, हमने यही प्रूफ करना है। ठीक है, इससे हम प्रूफ करेंगे, सॉरी हमने प्रूफ करना है ये 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो हम ए पी परपेंडिकुलर बी सी प्रूफ करने जा रहे हैं हम, तो हमने लिखा है पहले ए पी परपेंडिकुलर बी सी, तो बी पी इज इक्वल टू 1/2 BC। बी पी जो है वो बी सी का क्या आधा है क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे है ये, तो बी सी का क्या हो जाएगा आधा, बी पी जो है बी सी का क्या हो जाएगा आधा, और बी सी जो है बी पी का क्या हो जाएगा डबल। तो हम बी पी इक्वल टू 1/2 BC। तो ऐसे ही आप देखेंगे ये तीन पार्ट में 1, 2, 3 पार्ट्स, तो बी डी क्या हो जाएगा बी सी का कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पे आप देखेंगे बी डी जो हो जाएगा, देखो एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट, यानी बी सी जो है तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो अगर हम बी डी से इसका कंपैरिजन करेंगे जब, तो वो क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि थ्री पार्ट्स हैं किसका बी सी का, यानी तीसरा हिस्सा तो है एक पार्ट से आ गया, दूसरा पार्ट ये तीसरा पार्ट ये, यानी 1/3 पार्ट्स है कौन बी डी किसका बी सी का। तो हम इसे लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू 1/3 BC। ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं, हमने यहाँ लिख लिया। तो अब आप देखें डी पी, डी पी कहाँ है आपका ये वाला हिस्सा, डी पी आपका कब निकलेगा जब आप बी सी में से 1/2 BC में से आप 1/3 पार्ट बी सी को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी बी पी ये वाला पार्ट आपका कितना है आपका 1/2 BC, और बी पी में से आप बी डी को माइनस करेंगे, बी डी आपका कितना ही है, तो आपका डी पी निकल के आ जाएगा। यानी इस वाले पोर्शन से आपको डी पी निकालना है तो आपको निकल के आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, डी पी इक्वल टू 1/2 BC माइनस 1/3 BC कितना आ जाएगा 1/6 BC आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के फटाफट इसको कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको कर देता हूँ अगर किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। देखो 3 × 1 = 3 यानी 3 BC माइनस 2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ लगेगी, तो 2 BC अपॉन 3 × 2 जो आपका 6 हो जाएगा। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बी सी हमारे पीछे जैसी है 6 हमारे ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। इन ट्रायंगल एपीबी, ए पी बी ये वाला ट्रायंगल आप ले लेंगे इस डायरेक्शन, इस वाले को पीछे वाले को हटा दिया हमने, इसमें क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी पी स्क्वायर के प्लस ए पी स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी पी स्क्वायर थोड़ी गर्मी से लग रही है, बी पी स्क्वायर देखिए यहाँ पे बी पी स्क्वायर, देखो बी पी स्क्वायर हमने ऐसे कैसे उतार दिया। उसके बाद आगे देखेंगे आप ए पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर। क्यों, आप यहाँ ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पे देखें ए पी मेरा ये है, ए पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारा कब निकलेगा जब मैं हाइपोटेन्यूस में से बेस को माइनस कर दूंगा। परपेंडिकुलर हमारा कब निकलता है जब हम हाइपोटेन्यूस में से बेस को माइनस करेंगे, तो हमारा हाइपोटेन्यूस ए डी स्क्वायर है और बेस हमारा क्या डी पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने लिख रखा है, ये देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हमारा ए डी है और बेस हमारा क्या है
डी पी स्क्वायर है। तो इस ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा। अब देखो बी पी के स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है अभी कितनी, हाफ बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा। डी पी के मैंने 1/6 वैल्यू अभी पीछे यहाँ पे निकाली है हमने, देखो ये वैल्यू सब हम यहाँ निकाल के आ गए हैं। ठीक है, बी पी की वैल्यू 1/2 बी सी है, बी डी की वैल्यू हमने कितनी, डी पी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1/6 बी सी निकाली है। ठीक है, अब यहाँ क्या ए बी स्क्वायर, अब इनके स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 बी सी प्लस ए डी हमारा ऐसे कैसे रहेगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/36 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखें ए बी इक्वल टू बी सी प्लस इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 36 स्क्वायर ए बी। देखो एलसीएम लेने के बाद की प्रोसेस है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 36 आ जाएगा, यानी एलसीएम जब लेंगे तो पूरे के अपॉन में 36 आएगा, 36 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएगा आपका किससे, ए बी स्क्वायर से, तो 30 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेना आप सभी को आता है, वो आसानी से ले सकते हैं आप, या 9 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से आप इसको काट देंगे 4 से इसको 9 बार आप कट कर देंगे। ठीक है, और बी सी हमारा किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, फिर 36 ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर हमारा बी सी के इक्वल है, तो हम ए बी स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है, बी सी को हमने किसके इक्वल लिखा, ए बी के, क्योंकि यहाँ पे देखो सब एक दूसरे के इक्वल है, तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो 36 ए बी स्क्वायर में से आप क्या करेंगे, 9 ए बी में से पहले 1 ए बी को माइनस करिए, 8 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप 8 ए बी को स्क्वायर को उठा के आप इस तरफ ले आइए, यहाँ से आप 36 में से 8 ए बी स्क्वायर को माइनस करेंगे, 28 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वो आप इक्वल दिखा देंगे किसके, 36 ए डी स्क्वायर के। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों को 4 से बोथ पार्ट्स बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, एंड दोनों तरफ हम क्या करें 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, इसलिए हमारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो गए। दोस्तों इसी तरीके से हमने ट्रायंगल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए हैं। देखो ट्रायंगल के जो आपके एक एक नंबर वाले 6.1 वाली एक्सरसाइज में उनको देखिए फिलअप आप जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले आपको मोटिवेट करूँगा, यानी आपको टिप्स बताऊँगा कि आपने किस तरीके से क्या करना है, एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले कौन सी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, बाद में आपको कौन सी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने कैसे टाइम को कंज्यूम करना है, कैसे कैसे क्वेश्चनों में कितना कितना टाइम लेना है, इस बारे में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ट्रायंगल वाला वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरा बताया हुआ मेथड अगर समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।